हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू दी टेक्स एक्सप्रेस। फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी AY 24-25 के लिए ITR फाइलिंग कमेंस हो चुकी है और जैसा कि आप जानते हैं नॉन ऑडिटेड केसेस में ITR फाइलिंग की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 है। इस डेडलाइन के बाद आप अपने ITR को सेक्शन 235F में लगने वाली लेट फीस के साथ ही फाइल कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स कानून के अंतर्गत किन लोगों को ITR भरना कंपलसरी है और साथ ही ये भी जानेंगे कि किन लोगों को ITR भरने से एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया गया है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक क्योंकि इस वीडियो में आपसे शेयर की जा रही है एक इम्पॉर्टेंट जानकारी। इनकम टैक्स लॉ के अनुसार हर उस व्यक्ति को ITR भरना कंपलसरी है जिनकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीड करती है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में 3 लाख और ओल्ड स्कीम में अदर देन सीनियर सिटीजन के लिए 2.5 लाख, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख एंड सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख है। लेकिन इसके अलावा कुछ स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसिस में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम इनकम होने पर भी ITR भरना कंपलसरी है। आइए जानते हैं वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें रेस्पेक्टिव ऑफ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपको ITR भरना ही होगा। नंबर वन, अगर आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक या एक से अधिक करंट अकाउंट्स में एग्रीगेट में 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट किया हो। नंबर टू, आप अपने या किसी और पर्सन के फॉरेन ट्रेवल पर 2 लाख से ज्यादा एक्सपेंडिचर किया हो। नंबर थ्री, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर प्रीवियस ईयर के दौरान 1 लाख से ज्यादा एक्सपेंडिचर किया हो। नंबर फोर, आप एक प्रोफेशनल हैं और आपकी प्रोफेशनल इनकम 10 लाख से ज्यादा है। नंबर फाइव, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपका TDS या TCS 25,000 से ज्यादा हो। नंबर सिक्स, एनुअल सेल्स टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स 60 लाख से ज्यादा होने पर। नंबर सेवन, एक या एक से ज्यादा सेविंग्स अकाउंट में एग्रीगेट में 50 लाख या उससे ज्यादा अमाउंट जमा होने पर। तो इन सभी केसेस में रिस्पेक्टिव ऑफ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपको ITR फाइल करना कंपलसरी होगा। वहीं दूसरी ओर 75 साल से ज्यादा उम्र वाले सीनियर सिटीजन्स को ITR फाइल करने से छूट प्रदान की गई है अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंडियन रेसिडेंट हो और पेंशन और इंटरेस्ट इनकम के अलावा उनकी और कोई इनकम नहीं हो। लेकिन इंटरेस्ट इनकम उस बैंक से होनी चाहिए जिसमें वह अपनी पेंशन रिसीव करते हों और साथ ही बैंक RBI द्वारा स्पेसिफाइड बैंक होना चाहिए। आइए अब नजर डालते हैं ITR रेगुलरली फाइल करने के कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स पर। ITR रेगुलरली फाइल करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि ITR आपकी इनकम का एक मोस्ट ऑथेंटिक प्रूफ माना जाता है जिसके बेसिस पर आपको किसी भी प्रकार का लोन मिल सकता है। सभी बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिना ITR सबमिट किए आपको लोन नहीं सैंक्शन करते, तो ऐसे में ITR फाइल करना बेहद जरूरी हो जाता है। नंबर दो, लोन अप्रूवल के अलावा ITR का उपयोग इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए भी बढ़ता जा रहा है। आजकल इंश्योरेंस कंपनीज भी पॉलिसी ग्रांट करने के लिए ITR पर इंसिस्ट करने लगी हैं। नंबर तीन, वीजा प्रोसेसिंग के लिए भी ITR का एक अहम योगदान है। यदि आप रेगुलर इनकम टैक्स फाइलर हैं तो आपकी वीजा प्रोसेसिंग स्पीड अप हो सकती है। नंबर फोर, इसके अलावा एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपका TDS या TCS डिडक्ट हुआ है और आप उसका रिफंड लेना चाहते हैं तो आपके लिए ITR भरना कंपलसरी है। इसके बिना आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। नंबर फाइव, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वर्किंग कैपिटल लोन या कैश क्रेडिट लिमिट्स सेटअप या एनहांस करवाने के लिए आपका ITR ऑथेंटिक इनकम सोर्स के रूप में आपकी मदद करता है। तो ये थी ITR से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। टैक्सेशन से जुड़ी ऐसी ही रेगुलर अपडेट्स, क्वेरी रेजोल्यूशन, केस लॉ एनालिसिस आदि के लिए देखते रहिए आपका अपना द टैक्स एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना न भूले। थैंक यू।